भाई हमारे कराची में थोड़ी सी बारिश हुई नहीं है अभी और पानी जमा हो गया है, लेकिन अब सर्दी सर्दी सी हो गई है और आज भाई के हालात थोड़े बिगड़ गए हैं यहाँ पे। ये दो दरिया बन गया है। ये थोड़ा अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं एडिटिंग कर रहा था, एकदम से मुझे आवाज आई गड़ 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 गड़। मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया, मैं बाहर निकल के देखा तो फिर टप 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 आवाज आ रही, तो देखा तो बारिश हो रही है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बारिश हो रही है। वाह यार वाह, मौसम चेक करें और सुबह के 6 बज रहे हैं। ओए होए 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 होए, आई लव यू कराची। ये है कराची, देखें आप, ब्लू मौसम हो रहा है, ऑलमोस्ट ब्लू ब्लू टाइप नहीं होता, वहाँ से ऑरेंज यहाँ से ब्लू टाइप हो रहा है। वाह यार भाई हमारे कराची में थोड़ी सी बारिश हुई नहीं अभी और पानी जमा हो गया है। वेलकम टू कराची ब्रो। लेकिन यार चेक करो क्या लग रहा है कराची, बेहतरीन मौसम देखो, अच्छा हो रहा है यार मौसम, मगरिब जैसा मौसम हो गया सुबह, ये देखो मज़े का मौसम हो रहा है, टाइड। बारिश हो रही है और लाइट चले गई है, मेरा लैपटॉप यहाँ पे बंद हो गया। ये जो लाइट जल रही है ये यूपीएस पे है। यार मैं एडिटिंग कर रहा था अच्छी खासी, सुबह के ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं, पता नहीं कब आएगी यार लाइट, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, सुबह बात करता हूँ मैं। हेलो बॉयज़ सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं उठा हूँ और सीन ये है कि थोड़ी थोड़ी सी टप 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 बारिश हो रही है और थोड़ा सा पानी भी जमा हो गया है, लेकिन बाहर जाने से पहले हम लोग नाश्ता करेंगे। मैंने मम्मा को बोल लिया, वो नाश्ता ला रही है, नाश्ता करके फिर हम लोग जाएंगे बाहर। मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ी थोड़ी सी सर्दी भी हो गई, वरना बीच में अभी एक हफ्ते पहले थोड़ी मतलब गर्मी हो गई थी, लेकिन अब सर्दी सर्दी सी हो गई है। नाश्ता हमारे पास आ गया, नाश्ते में हमारे पास चाय 2 पीस स्लाइस है, इस पे बटर लगा हुआ है और अब हम ये खा लेते हैं जल्दी से ना, फिर हम लोग चलेंगे बाहर। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, अब जरा बाहर की सूरत हाल देख लें। ओ शिट यार, ये क्या हो गया भाई, बाहर तो बहुत ज्यादा पानी हो गया लेकिन बारिश रुक गई है। ये देखो क्या हालत हो गई है यार, इतना पानी मतलब। बस हमारे कराची में ना थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाए तो ये हाल हो जाता है यहाँ पे, ये देखो। हाँ यार मतलब इतनी सी बारिश हुई थी। और आज भाई के हालात थोड़े बिगड़ गए हैं यहाँ पे। अभी रामेश भाई और मैं जा रहे हैं जरा। रामेश भाई क्या हाल हो रहा है, दो शब्द तो बोल दो कराची के लिए। ये दो दरिया बन गया है, दो एक दरिया ये और एक दरिया वो है, दोनों दरिया आ रहे हैं। मतलब क्या हाल हो गया हमारे कराची का, खत्म खत्म भाई। वो देखो एक दरिया वहां से आ रहा है, एक दरिया यहाँ से हमदा की गली, हमदा की गली। क्या हाल हो गया यार। भी रामेश भाई और मैं गोश्त लेने आए हैं यहाँ पर, क्या ले रहे हैं, मगर ओए पराठे के साथ। भाई ये रामेश भाई ने गोश्त ले लिया और आप लोगों ने मटन और चिकन तो सुना होगा और बीफ भी सुना होगा। ये व्हेल जो नाम है ये मैंने आज पहली दफा सुना है। व्हेल उसको कहते हैं जो जानवर होता है वो 2 दांत का होने वाला होता है, और मतलब जो यंग होता है उसके गोश्त को व्हेल कहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मुलायम टाइप होता है। तो ये जो वर्ड है मैंने पहली दफा सुना, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। अभी हम लोगों ने मैदा और आलू लिया है, ये हाल देखें हमें कैसे जाना पड़ रहा है, हमें तो ये स्ट्रगल है ये। अभी मैं रामेश भाई के रूम में बैठा हुआ हूँ और रामेश भाई यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं थोड़ी बहुत, और इसके बाद थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ रामेश भाई मैं भी वार्म अप कर लूँगा, क्योंकि मैंने 2-3 महीने से जिम नहीं गया हूँ, जिम भी स्टार्ट करना है यार, मंडे से मैं जिम स्टार्ट कर लूँगा इंशाल्लाह। बाकी अभी तो रामेश भाई कर रहे हैं, रामेश भाई को देख के ना मुझे जेलिसी हो रही है कि मैं क्यों नहीं कर रहा। नहीं आया ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं भी अभी 2-3 वार्म अप कर लूँगा, वो देखते हैं। राजा ठंड हो गई ना यार वैसे, रूम में नहीं है सर, रूम में नहीं है वैसे, ठंड हो गई यार बारिश के बाद ना, है ना, ठंड हो गई है। यार रामेश भाई मैंने ना एक चीज सोची है। क्या सोच रहा हूँ मैं, फराज भाई को एक रोल दे दूँ, बड़ा वाला रोल दे लो, मेरा रोल ले लो। ओह माय गॉड, वाओ। रामेश भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, फराज भाई अपनी चेन बाहर निकालना, चेन चेन हाँ चेन ही निकाल। नहीं, यार ये फराज भाई को ना रामेश भाई ने गिफ्ट दी है ये चेन, रामेश भाई मुझे नहीं लाया, मेरे लिए नहीं लाया, चेन चेक करो यार। तो ले लो।
क्या ले लू मैं चेन? नहीं नहीं चेन चेन ही बोल रहा हूँ, ले लो यार चेन। देखो आप कितने मजे की चेन है। मजे की क्या खा रहा है? नहीं नहीं मतलब अच्छी चेन अच्छी चेन है माशाल्लाह। मतलब आप अपने पास ही रख लो इसको, मुझे नहीं चाहिए। रेडी हो गए हम लोग। अभी तो अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे, अभी ये रिटायर्ड बिल्डर यहाँ पे बैठे हुए, इन्होंने मुझे बोला है कि रिटायर्ड बिल्डर ने मुझे बोला है कि रामेश भाई मैं बैठूंगा और मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो मेरी भी एक क्लिप बनाया कि मैं भी एक टाइम पे कितने रेप निकालूंगा। वो तो जब मारोगे जब पता चलेगा। मुझे ये तो बहुत आराम से मार लो, 20 kg है ये तकरीबन। महीने बाद में कर रहा हूं इसको, कमांडो भी कहते हैं इसको। कमांडो हाँ, लेकिन वो कमांडो मशीन वाले को कहते हैं। अच्छा अच्छा so. नहीं नहीं कमांडो भी कहलाता है ये वाला, सही है। लग रही है 20 kg। चलो मार के देखो भाई, थोड़ा एक तो माफ कर देना। एक दो तीन चला, छ सात आठ आठ भाई पूरा पूरा नहीं मारा, पूरा पूरा नहीं मारा यार। वो आप थोड़ा आउट होगा ना, मैं 4 महीने। चलो चलो ठीक है ठीक है। हाँ ये थोड़ा आसानी का नहीं था। चल सही है सही है। 9 10 बस 11 एक और बस 12। क्या बात है क्या बात है। 13 14 ये बहुत लाइट वेट है बच्चे के लिए, बहुत मारता है ये। नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है कि मुझसे 12 नहीं उठेगा। मैंने 60-60 मारा है मैंने आराम से, 80 भी मारा है, लेकिन अब 4 महीने बाद कर रहा हूँ ना मैं। 20 रेप्स मैंने निकाल लिए हैं। अब जो रात में दर्द होगा ना मेरे चेस्ट में, चेस्ट में आप क्या देख रहे हैं? दर्दी हो रहा है ना ये आप देख कह रहे हैं मुझे, दिखाओ दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ। नहीं यार ये छिपा रहे हैं, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। आज अनस से एक मैं सवाल करने वाला हूँ, रिडल है और ये बिल्कुल प्योर रिएक्शन है, इसको भी नहीं पता। मैंने से बिल्कुल डायरेक्ट कैमरा लिया सीधा सीधा, इसको सवाल बिल्कुल नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। और रिडल ये है, अगर तुम्हें तराजू पता है ना मेजरमेंट के लिए जो रखते हैं, 1 किलो एक जगह पे रुई रख दी जो बिल्कुल रुई नहीं होती हल्की, और 1 किलो पे 1 किलो का वो रख दिया लोहा रख दिया, तो बताओ क्या भारी होगा, क्या चीज भारी होगी? रुई बिल्कुल हमने रख दी है तकरीबन, क्या कहते हैं तराजू पे एक साइड के ऊपर, और 1 किलो हमने वो रख लिया लोहा, रख पूरा बाट जो हम यहाँ से उठाते हैं, तो क्या चीज भारी होगी? यार आई थिंक लोहा भारी होगा क्योंकि रुई भी आ रहा है कि फराज तुम भी आ जाओ, ये सवाल तुमसे भी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। एक तराजू रखा हुआ है, जल्दी से आगे बैठे। एक तराजू है, एक जगह पे हमने क्या कहते हैं 1 किलो रोहा रख दिया और 1 किलो हमने रुई रख दी, तो क्या चीज भारी होगी? 1 किलो रुई रख दी एक साइड पे, एक तरफ तराजू पे 1 किलो रुई रख दी और 1 किलो हमने लोहा रख दिया। लोहा यार दोनों, ये दोनों आप ही देख रहे हैं, इन दोनों पे हमें एक डोंकी फेस बनाना चाहिए। 1 किलो अगर रुई भी हो, 1 किलो ही है ना वो, क्यों भारी होगी 1 किलो और दोनों 1-1 किलो है, तो दोनों बैलेंस हो गए भाई। सीन ये हुआ कि रामेश भाई ने बड़ा एस्थेटिक और साइंटिफिक किया था क्वेश्चन, ये वापसी भाग गए और फराज भाई को भी लेकिन समझ में नहीं आया। फराज भाई ने बोला कि लोहा ज्यादा भारी होगा, लेकिन रामेश भाई ने एक्सप्लेन करा हमें दोनों का सेम वेट होगा, यही सीन है ना फराज भाई? यस ऑफ कोर्स सेम वेट सेम साइज। ये फराज है ना मुझे अजीब लग रहे, मैं तो जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। यार ये मैं कमरे में आया, ये बिल्ली अंदर आ गई, निकल जा यार। ये ट्राइपॉड इस काम में लेना पड़ेगा। सही थकाया भाई इस बिल्ली ने मुझे।
इतना भारी बैट और निकल के नहीं दे रही, इतनी ढीठ थी। फिर जाके निकली, थोड़ा हिलाया।